इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को पत्र लिखा है। आपको बता दें कि पत्र लिखकर अखिलेश यादव ने शुभकामनाएं दी हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा के लिए अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को शुभकामनाएं दी हैं। कहा है कि धन्यवाद, आप सफल हो, हार्दिक शुभकामनाएं। कल से यूपी में 3 दिवसीय भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो रही है। यात्रा को सफल बनाने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। तो अखिलेश यादव ने पत्र में लिखा है कि आशा है यात्रा सफल होगी और लक्ष्य को प्राप्त करेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को पत्र लिखा है और पत्र में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी को शुभकामनाएं दी हैं। तो अखिलेश यादव ने पत्र में लिखा है कि धन्यवाद, आप सफल हो, हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दें कि कल से यूपी में 3 दिवसीय भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो रही है और इसी को लेकर अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि यात्रा सफल बनाने हार्दिक शुभकामनाएं और आशा है कि यात्रा सफल होगी और लक्ष्य को प्राप्त करेगी। तो आपको बता दें कि इससे पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच ट्विटर पर बार पलटवार का दौर शुरू हो गया था। इसके बाद अखिलेश यादव ने एक नया संदेश और पत्र जो है वो राहुल गांधी को लिखा है और इसमें भारत जोड़ो यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को पत्र लिखा है। कल से 3 दिवसीय भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में शुरू होगी और इसी को लेकर अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को पत्र लिखा है और पत्र में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर शुभकामनाएं दी हैं। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे साथ सहयोगी अविनाश जुड़ चुका है। अविनाश, जिस तरह से हमने ट्विटर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच बार पलटवार देखा, अब हम ये भी देख रहे हैं कि अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर शुभकामनाएं दी हैं, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए उदय बिल्कुल जिस तरीके से आपने कहा कि अखिलेश यादव की तरफ से जो भारत जोड़ो यात्रा के लिए पत्र लिखा गया है और उसके लिए राहुल गांधी जी को बधाई दिया गया है, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जिस तरीके से राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच जिस तरीके से जुबानी जंग एक तरीके से चलने लगी थी, तो कहीं ना कहीं इसमें एक संदेश देने की कोशिश है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक होने के कुछ चांस इसमें दिखाई देंगे साफ तौर पर। और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने पत्र लेकर भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया है और बधाई भी दिया है, तो एक ये संदेश है लोगों के लिए कि कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है और समाजवादी पार्टी 2024 के चुनाव में भी एक होने के इनके चांस ज्यादा रहेंगे। बिल्कुल अविनाश, अगर बात करें तो हमने ये भी देखा था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की बात पर सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे खुशी है और मुझे इसमें किसी बात का कोई बुरा नहीं है कि अगर राहुल गांधी पीएम पद की उम्मीदवारी करते हैं। उन्होंने खुशी जाहिर की थी। अब ये भी देख रहे हैं कि जब उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होने वाली कल से, तो अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर शुभकामनाएं दी, तो क्या ये माना जाए कि इसको विपक्षी एकता के रूप में देख रहे हैं 2024 के लिए, क्योंकि सभी दल जो है वो एक साथ होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से विपक्ष एकजुटता दिखा रहा था अपने लोकसभा चुनाव के लिए, एक होने की जो कवायद जारी थी विपक्ष की वो पूरी तरीके से जारी थी। और जहां अगर बात किया जाए नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इनके दावेदारे में पीएम के लिए चर्चाएं चल रही थी, लेकिन इन्होंने सीधे साफ तौर पर कहा है कि अगर राहुल गांधी जी का चेहरा सामने होता है तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो कहीं ना कहीं, और कमलनाथ जी का भी, एक मध्यप्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका भी एक बयान आया था कि राहुल गांधी का पीएम चेहरा होना चाहिए, और शिवसेना के यहाँ से भी इसके लिए एक बताया गया था। लेकिन इसके बाद एक बड़ा बयान आता है प्रमोद तिवारी जो राज्यसभा सांसद हैं कांग्रेस से, इनका एक बड़ा बयान आता है कि अभी विपक्ष को एक होने की जरूरत है और भाजपा का कैसे मुकाबला करना है, इसके लिए रणनीति पर एक काम करना है, इसके लिए जरूरी है कि अभी पीएम की दावेदारी के लिए किसका चेहरा होगा ये मायने नहीं रखता, लेकिन विपक्ष को एक होना ये बड़ी ज्यादा जरूरी है और इसको कैसे एक होना इस पर काम करना है। बिल्कुल अविनाश, अगर बात करें विपक्षी एकता तो हमको दिखती है मंच पर कई बार, लेकिन जब चुनाव नजदीक आते हैं तो सीटों को लेकर कई बार हमने विपक्षी एकता में तकरार भी देखी, क्योंकि सीटों पर सहमति नहीं बन पाती, जिसके चलते विपक्षी एकता कहीं ना कहीं खतरे में नजर आती है। बिल्कुल, प्रमोद तिवारी का जो बयान आया है उनका यही एक संदेश है, उनका सीधा साफ तौर पर इसी तरीके से उनका कहना भी है कि बांग्लादेश की जो
बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उनका भी पीएम के लिए दावेदारी का चेहरा था। तो प्रमोद तिवारी का कहना है कि जिस तरीके से विपक्षों को एक होना है, इसके पहले अगर किसी भी किसी का भी नाम का पीएम के लिए दावेदारी के लिए अगर ऐलान होता है तो कहीं ना कहीं विपक्ष में कोई खटपट ना हो जाए। तो इसके लिए पहले विपक्ष को एक होना है और अब सीटें निकालना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की अपनी, ताकि पीएम का कोई भी उम्मीदवार बाद में हो सकता है, लेकिन इसके पहले विपक्ष को एक होना जरूरी है, ये एक बड़ी बात है। बिल्कुल जी अविनाश, धन्यवाद इस खबर को अधिक जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर शुभकामनाओं का पत्र भेजा है और अखिलेश यादव ने शुभकामनाएं दी हैं कि आपकी यात्रा सफल हो। तो ट्विटर पर वार पलटवार के बाद अब अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर शुभकामनाएं दी हैं। आपको बता दें कि कल से 3 दिनों की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाली है।